डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर पौधों में जनन से है। इसमें हम बात करेंगे पर परागण के लाभ हानि के बारे में। पिछली वीडियो में आपको पर परागण समझाया गया, पर परागण कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह से होता है। अब आता है पर परागण के क्या लाभ होते हैं। तो पर परागण में फर्स्ट पॉइंट लाभ में है कि पर परागण से बनने वाले पौधे से फल बड़े स्वादिष्ट और अधिक बीज युक्त होते हैं, अर्थात अधिक बीज होते हैं, फल स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है पर परागण में दो जीवों का मिश्रण होता है। सेकंड है, पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े भारी स्वस्थ और अच्छी नस्ल के होते हैं। थर्ड पॉइंट, पर परागण द्वारा उत्पन्न बीजों से बने पौधे भी स्वस्थ होते हैं, नस्ली होते हैं और उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। पर परागण द्वारा रोगरोधी प्रजातियां तैयार की जा सकती हैं, यानी हम अच्छी प्रजातियां, रोगरोधी उत्तम पैदावार की प्रजातियां पर परागण द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, यानी एक तो कृत्रिम रूप से हम कराते हैं, दूसरा प्रकृति में अपने आप भी नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, क्योंकि वहां पर पर परागण होता है हवा के, जल के माध्यम से, तो उनके द्वारा अपने आप भी नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब अगला पॉइंट आता है पर परागण से हानियाँ। पर परागण से हानियाँ, यानी आप जानते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यानी किसी भी कार्य से लाभ होते हैं तो उससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो पर परागण से लाभ होने के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, यानी पर परागण की क्रिया का कोई निश्चित नहीं है कि ये कब होगी और किस समय होगी, ये पर परागण स्वतः चलता रहता है। हाँ, हम यदि हम कृत्रिम रूप से पर परागण कराते हैं तो उसे हम अपने तरीके से निश्चित रूप से करा सकते हैं। सेकंड, परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने के कारण अधिकांश पुष्प परागित होने से भी रह जाते हैं, कि जरूरी नहीं है कि सभी पुष्प परागित हों, क्योंकि यदि पुष्प का परागित होने का समय है उस समय पर कोई साधन नहीं, जैसे वायु परागण है उस समय वायु का साधन नहीं, अर्थात वायु नहीं चल रही है, तो वो पुष्प परागित नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि आपको बताया गया कि पर परागण दूसरे पुष्प, यानी दो पुष्प अलग अलग होते हैं, चाहे वो एक ही पौधे के हों या दूसरे पौधे के हों, तो दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, पर परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को, यानी पर परागण मान लीजिए कीटों द्वारा होता है, हो रहा है, तो कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, सुगंध, मकरंद आदि उत्पन्न करने पड़ते हैं, जिसमें पौधे का बहुत सारा पदार्थ अर्थात भोज्य पदार्थ व्यय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं, क्योंकि पर परागित बीज शुद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें दो पुष्पों का, दो पौधों का युग्मक संयुग्मित होते हैं, इसलिए वो संकर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर परागित पुष्पों में विशेषकर वायु परागण के लिए परागकण अधिक संख्या में व्यर्थ हो जाते हैं। आपको वायु परागण में बताया गया है कि परागकण उड़कर जाते हैं और उड़ने में, पुष्प तक पहुँचने में असंख्य परागकण व्यर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पर परागण की कुछ हानियां हैं। अब आता है इसी में नया टॉपिक, दोहरा निषेचन यानी द्विनिषेचन। द्विनिषेचन एक पौधों के लिए विशेष घटना है जो केवल आवृत बीजी पौधों में विशेषकर होती है, जिसमें निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूण कोश में पहुंचकर, यानी पहुंचने के बाद फट जाती है, जिससे दो नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं और दोनों ही नर युग्मक वहाँ पर निषेचन में भाग लेते हैं, यानी दोनों नर युग्मकों का निषेचन में भाग लेना द्विनिषेचन कहलाता है। जिसमें से यदि हम देखते हैं दो नर युग्मक दोनों भाग लेते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, तो पहला नर युग्मक
अंड कोशिका यानी मादा युग्मक के से संयोजित होकर एक युग्मनज बना लेता है, जिसे हम सत्य निषेचन यानी जो सामान्य निषेचन होता है वो इसी प्रकार होता है। और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। यानी आप आगे चल के पढ़ेंगे भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष इसी तरह से द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है। और इस क्रिया को हम त्रिसमेकन या कायिक निषेचन भी कहते हैं। तो इस तरह से दोनों युग्मकों के निषेचन में भाग लेने की क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व क्या है? महत्व में सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब परिपक्व भ्रूणकोष 8 केंद्र की होता है तो उस समय उसकी वृद्धि रुकी हुई होती है, और जब द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो पुनः से उस भ्रूणकोष की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अर्थात रुकी हुई वृद्धि को प्रारंभ करने में द्विनिषेचन सहायक होता है। सेकंड पॉइंट, द्विनिषेचन की क्रिया में संयुग्मन के फलस्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज बनता है जो बाद में भ्रूण बनाता है। यानी द्विनिषेचन द्वारा एक द्विगुणित युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण बनता है, और भ्रूण के पश्चात आगे चल के आप पढ़ चुके हैं पहले नए जीव की अर्थात बीज की फल की उत्पत्ति होती है। तीसरा पॉइंट, द्विनिषेचन के फलस्वरूप जो बना भ्रूणपोष यदि बीज में बचा रह जाता है यानी बीज के रूप में रह जाता है तो बीज के अंकुरण के समय पोषण के रूप में प्रयोग होता है। आपने देखा होगा बीज में कुछ भाग ही अंकुरित होने वाला होता है, यानी एक अधिकांश बीज ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित स्थान होता है जो भ्रूणपोष कहलाता है, और वही अंकुरित होता है, शेष उसका भाग अंकुरण के समय पोषण में काम आता है। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी निषेचन होने के बाद पुष्प में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिनमें पहला परिवर्तन जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज मोस्टली गिर जाते हैं या कुछ फलों में चिर लग्न हो जाते हैं, जैसे आप बैंगन टमाटर में देख सकते हैं कि टमाटर बैंगन के ऊपर बाह्य दल जो हरे होते हैं, आपको बाह्य दल पहले पढ़ाया जा चुका है पुष्प की संरचना में, कि वो चिपके रहते हैं अर्थात स्थाई रहते हैं। तो इस तरह से कुछ पौधों में फल के साथ स्थाई चिर लग्न रहते हैं और अधिकांशतः ये गिर जाते हैं। सेकंड, दलपुंज, दलपुंज गिर जाते हैं, पुमंग भी गिर जाता है, वर्तिकाग्र भी गिर जाता है, वर्तिका भी गिर जाती है, अंडाशय फल में बदल जाता है यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय से ही फल बनता है, और बीजांड बीज में बदल जाता है। तो इस तरह से प्रमुख परिवर्तन होते हैं निषेचन के पश्चात।